हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसे कि मैं कल आपको जो वीडियो उसमें बोल चुका हूँ कि आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट में पूछ लीजिए, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो वो टाइम आ चुका, अब जो भी आपके डाउट्स है सारे जो है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, जो भी आपने इससे पहले वाले वीडियो में पूछे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट राउंड ओके, मैं अपग्रेड होने के बाद अगर सेकेंड राउंड में ऊपर वाले नहीं मिले तो थर्ड राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में भी अपग्रेड कर सकते हो। सेकेंड राउंड में ऐसा होगा कि जो अभी आपको मिला है, ठीक है, वो फिर से मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको अपग्रेड करना है तो फिर भी आप थर्ड तक कर सकते हो ना। वॉन्ट टू रिटर्न वाले ऑप्शन पर वीडियो बना दो प्लीज़। ओके, मैं बना दूंगा डिटेल में, लेकिन अभी ऐसे ही थोड़ा सा समझा देता हूँ। वॉन्ट टू रिटर्न मतलब आप नेक्स्ट राउंड में सिर्फ वही कॉलेज फिर से चाहते हो, लेकिन ध्यान रख, अगर वॉन्ट टू रिटर्न पर क्लिक कर दोगे आप तो वो कॉलेज तो आपको डेफिनेटली जो अभी मिला था वो मिल जाएगा, बट आप फिर से अपग्रेड नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास फर्स्ट जो आपने सिर्फ एक ही चॉइस करा है फिलहाल, है ना, आपके पास आपको टॉप वाला कॉलेज मिला है। हमेशा याद रखिए, अगर फर्स्ट चॉइस आपको मिलता तो आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे। भैया 291 ओबीसी एसकेआरपी गुजराती मिल पाएगी या नहीं एमपी डोमिसाइल? हाँ, मिल सकती है, चांसेस है ना। वॉन्ट्स रिटर्न वाला ऑप्शन कहाँ आएगा? वेरी कन्फ्यूज। जब आप चॉइस फिलिंग करोगे आप सेकेंड राउंड की, यानी कि कल से, तब वहाँ पर जब चॉइस फिलिंग की आप प्रिफरेंस सेट करने जाओगे ना, कॉलेज के नाम रहेंगे, सबसे पहला ऑप्शन वही रहेगा, वॉन्ट टू रिटर्न। ठीक है, 377 ओबीसी कैटेगरी एमपी डोमिसाइल टू इन सेकेंड राउंड शुभदीप एंड आरडी मेमोरियल पॉसिबल है क्या? सजेस्ट एंड वेटर कॉलेज इन एमपी। 377 पर शुभदीप तो नहीं है, आरडी का हो सकता है बिकॉज आरडी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है ना। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन तो नहीं कराना था, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो, क्योंकि ऑनलाइन वाले भैया ने बोला था कि रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है, प्लीज़ बता दीजिए भैया जी। जी हाँ भैया, आपको सही बता रहे थे, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करनी है आपको ना, रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ओनली एक बार ही होता है। सर न्यू रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे थर्ड राउंड के? थर्ड राउंड के न्यू रजिस्ट्रेशन 16 को अलॉटमेंट हो जाएगा, लगभग 17-18 के आसपास स्टार्ट होंगे, 17 से समथिंग है ना। फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया है, सेकेंड में चॉइस फिलिंग नहीं की, तो थर्ड राउंड में अलाउ होगा कि नहीं चॉइस फिलिंग? अगर आपने अपग्रेड किया है, ठीक है, तो आपकी ये सीट थर्ड तक नहीं जाएगी, ठीक है, आपकी सीट चली जाएगी, बट आप थर्ड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ओके भैया, एस के आर पी इंदौर की कन्फर्म फीस क्या है? मुझे अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, लेकिन अपग्रेड कर दिया मैंने, टोटल फीस उसकी 3,45,000 समथिंग है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर की 1.5 ईयर की फीस है 1,21,000 एंड 1 ईयर की फीस है 86,000। तो या तो 1,21,000 आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आपको 86,000, अगर वो अगर आप कन्वेंस कर लेते हो तो 86,000 में भी हो सकता हो जाए आपका, ठीक है। यस डेफिनेटली, आपकी वीडियो से वन एंड ओनली सोर्स है हमारी डाउट्स का। थैंक यू सो मच विजय भैया, वेलकम। आप लोगों के इसी तरीके के कमेंट्स के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप लोगों को सच में ऐसी आपको जेन्युइन तरीके से कोई हेल्प कर सके, ठीक है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो मुझे भी तो पता होना चाहिए कि आप सच में, आपको वो हेल्प जो मैं करना चाहता हूँ वो आप तक पहुँच रही है, आप सेटिस्फाई हो। तो ऐसी कब जो भी आपका मतलब एक्सपीरियंस रहता है तो वो थोड़ा सा बता दिया करो, तो मोटिवेशन थोड़ा सा मिलता है कि नहीं यार। सेकेंड राउंड में 428 पर शुभदीप मिल जाएगा क्या? नहीं, ओबीसी जनरल से ना मुश्किल है यार, है ना, क्योंकि कोई भी शुभदीप को छोड़ेगा नहीं जिसको बीएमएस करना है, जिसका अच्छा स्कोर, क्योंकि फीस काफ़ी कम है। एनीवन लेट मी नो द फीस स्ट्रक्चर ऑफ श्री साई भोपाल काइंडली सजेस्ट। जहाँ तक मुझे पता चला है 1.5 ईयर का फीस वहाँ समथिंग, या 1 ईयर का है, वन एंड हाफ ईयर का है समथिंग, 7 लाख समथिंग मानसरोवर श्री साई और फैकल्टी फॉर आयुर्वेदा शिहोर, ये तीनों का चार्जेस लगभग इतना सुनने में आ रहा है। बाकी एक्चुअल फीस कोई क्योंकि जो पोर्टल पर है वो फीस ये नहीं ले रहे हैं, जो एडमिशन लेने बच्चे जाते हैं तभी एक्चुअल फीस ये लोग बताते हैं क्या ले रहे हैं जो, है ना, तो वो चीज़ कन्फर्मेशन तो मुझे भी नहीं है। एमपी स्टेट 344 सेकेंड राउंड में बीएमएस बीएचएमएस गवर्नमेंट चांसेस कहीं से कहीं तक नहीं है, चांसेस कहाँ से हो जाएगा भैया? 390 नंबर जनरल एमपी डोमिसाइल आरडी कॉलेज मिल जाएगा ना भैया सेकेंड राउंड में? देखते हैं, चांसेस तो बन रहे हैं। एसटी कैटेगरी में लास्ट गवर्नमेंट बीएमएस के लिए कितना कट ऑफ तक पॉसिबिलिटी है भैया? प्लीज़ रिप्लाई मी। 294 मार्क्स एमपी डोमिसाइल बीएचएमएस गवर्नमेंट मिल गया है फर्स्ट में, टू एंड में नहीं मिला, यो फिर से अपग्रेड करूँगी या नहीं? कर देना अपग्रेड, फिर से कर देना अपग्रेड, चांसेस है ना भैया। 149 मार्क्स ओबीसी कैटेगरी बीएमएस का कौन सा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा एमपी डोमिसाइल आपको?
देखो एक दो कॉलेजेस में नाम बताओ जो डेफिनेटली मिल सकते, एक तो बालाघाट वाला जो है ना वो, और एक जो है भोपाल में अभी नया आया है स्कूल ऑफ आयुर्वेदा रायसेन, है ना। बस ये दो कॉलेज के थोड़ी सी ऐसे चांसेस हैं जो डेफिनेटली मिल सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी तो थोड़ा सा और ऊपर ट्राई करना भैया, फर्स्ट अब राउंड अपग्रेड नहीं किया, चॉइस फिलिंग हो जाएगी ना, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। हाय भैया, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलाउ हुआ, अलोट अलोट ओके हुआ, और सेकेंड राउंड में अपग्रेड करवाया, बट कंडीशन हमें थर्ड राउंड के लिए भी अपग्रेड, ठीक है, ऑप्शन होता है, बिल्कुल होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट गूगल से प्रोफार्मा डाउनलोड कर बनवाया है तो चल जाएगा ना, बिल्कुल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी के लिए ये होता है, बाकी इसका कोई इतना ज़्यादा फर्क, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी नहीं भी दोगे तो भी चल जाता है भैया। 330 OBC सेकेंड राउंड तक SKRP मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा भैया। मुझे SKRP मिला है मेरे 353 OBC MP से, मुझे लास्ट तक गवर्नमेंट BHMS मिल जाएगा क्या? नहीं मिल सकता है। ओके, इफ़ आई गो टू द सेम अपग्रेडेड कॉलेज इन सेकेंड एंड आई डोंट वॉन्ट टू टेक एडमिशन, देन डू आई हैव पे मनी और नॉट? सेकेंड नहीं है ना वो भैया, ऑफिशियली फीस स्ट्रक्चर तो आ रहा नहीं है, फिर हम कैसे करें चॉइस फिलिंग? मार्क्स कम है, फीस ज़्यादा है, फीस स्ट्रक्चर कम। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, यही रियलिटी है, फीस वगैरह तो ज़्यादा ही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, फर्स्ट राउंड में उन्हें कॉलेज मिला, वो एडमिशन लेने गए, लेकिन जब उन्होंने फीस सुनी वहाँ जाकर तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, तो उनका फैसला ही चेंज हो गया, वो BMS से को BHMS करना चाहते हैं, BHMS की फ़ीस कम है। तो भैया ये तो होगा डेफिनेटली, आप लोगों के साथ भी होगा, ये फ़ीस की प्रॉब्लम तो है यार, बहुत ज़्यादा फीस हो गई BMS की, है ना। ऑफिशियल फीस स्ट्रक्चर नहीं आया अब, ठीक है यार, क्या बताऊँ मैं भैया। मुझे लोन लेकर एडमिशन करना है भैया, प्रोसेस बता दीजिए। इसके लिए आपको विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई करना होगा, और ये सारी प्रोसेस मैं कहूँगा आपको बहुत फास्टली अगर करनी है, क्योंकि एजुकेशन लोन लेकर आपको पढ़ना है तो नॉर्मल सी बात है आपको फटाफट सारी प्रोसेस करनी। तो इसके लिए जो एजेंट वगैरह रहते हैं ना बैंकों के, उनके पास जाकर आप ट्राई करो, थोड़ा बहुत वो अमाउंट लेते हैं आपसे, लेकिन आपका लोन बहुत जल्दी मतलब जो है वेरीफाइड करवा देते हैं भैया। फर्स्ट राउंड में अपग्रेड नहीं कर पाए, टाइम आउट हो गया, इसलिए तो सेकेंड राउंड में हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। BMS BHMS एंड BUMS में से सबसे बेस्ट है क्या है? BUMS गवर्नमेंट की जाए तो क्या ये ठीक रहेगा? प्लीज़ अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए ऐसा है, अगर आप BAMS BHMS BUMS में कन्फ्यूज है और BUMS आपको गवर्नमेंट मिल रहा है, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जाना चाहते हो, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा लोग उसे सेफ मानते हैं, तो उसके लिए BUMS बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि BUMS में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, वैकेंसीज मतलब जितनी आती है उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट कम रहते हैं, लेकिन BAMS BHMS में गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है। तो उस लिए आप जो है BUMS ले सकते हो। अगर आप खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस और हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आप BAMS भी कर सकते हो, BHMS भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत सर्जरी देख रहे हो कि हमें सर्जरी भी थोड़ी बहुत अलाउ हो जाए, तो आप BAMS का साइड जा सकते हो, है ना। BHMS में सर्जरी वगैरह अलाउ नहीं है। MP डोमिसाइल 340 OBC फर्स्ट राउंड में कुछ नहीं मिला, सेकेंड राउंड में अगर कोई BAMS कॉलेज मिला उसकी फ़ीस ज़्यादा है तो एडमिशन कैंसिल करके थर्ड राउंड में जा सकते हैं क्या? देखो क्योंकि आप कॉलेज में आप बिल्कुल ऐसा करना, आप अपग्रेड भी मत करना और जो है आपका एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड भी मत करना, कॉलेज में जाना, वहाँ से फ़ीस पता करना, उसके बाद में अगर फीस आपको मतलब आपके बजट के अकॉर्डिंग रही तो आप एलॉटमेंट लेटर उसी टाइम डाउनलोड करके वहाँ पर एडमिशन ले लेना, बाकी डॉक्यूमेंट आप सारे रेडी करके ले जाना, बाय चांस फीस ज़्यादा लगती तो आप अपग्रेड कर देना, ठीक है भैया। अगर पेरेंट्स इनकम 7,98,000, सर्टिफिकेट 2023 का है तो स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्या? ST कैटेगरी MP डोमिसाइल, ST कैटेगरी में तो मिल सकती है क्योंकि 8 लाख तक है ना, मिल जाएगी जहाँ तक है। रिप्लेस क्या है थोड़ा सा मैं देखता हूँ, प्राइवेट BMS, हाँ भाई श्योर है ना मिल जाएगी क्या? कितनी मिलेगी? ST कैटेगरी में ट्यूशन फी का 100% मिलती है, ठीक है, और उससे ज़्यादा ही मिल जाती है ट्यूशन फी का, याद रहे। गुजराती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कितनी फीस है? वैसे ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो 71,000 है, फर्स्ट ईयर की फ़ीस की बात करूँ कम्प्लीटली तो 86,000 है, 1.5 ईयर की फ़ीस की बात करूँ फर्स्ट ईयर की तो वो 1,21,000 है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना लो जाएगा टू एंड राउंड में? काफ़ी मतलब
डाउन हो जाएगा, ठीक है, लगभग लगभग 20 से 30 नंबर तक डाउन होने के चांसेस हैं। भैया अपग्रेड वही नहीं किया और कॉलेज अलॉटमेंट भी नहीं किया, तो नेक्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। एससी एक्स फीमेल कैटेगरी 174 मार्क्स में, SKRB गुजराती मेडिकल कॉलेज सेकेंड राउंड में मिल सकता है एससी कैटेगरी में ना। भैया मेरे से ऊपर वाली लड़की को EWS से गवर्नमेंट BMS मिली है, उसके बाद मैं EWS में थी, मुझे गवर्नमेंट होम्योपैथी मिली है सेकेंड राउंड में, चांसेस है क्या गवर्नमेंट BMS मिलने के? अगर EWS कैटेगरी की जो नंबर ऑफ सीट्स है टोटल सीट्स पे अगर अलॉटमेंट हो गया होगा तो नहीं मिल पाएगा, बाय चांस अगर उसमें से कुछ सीट्स बच गई थी या अलॉटमेंट नहीं हुआ तो मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है उसमें से किसी लड़की ने एडमिशन नहीं ले वो, या फिर जो एडमिशन छोड़ दे वो नीट की फिर से तैयारी कर रही हो ना, तो उस एक आधी सीट कैंसिल हो, तो इस कंडीशन में आपको मिल सकता है। भैया मेरे को RD कॉलेज मिल गया है, बट अपग्रेड के टाइम पर फिर से RD मेमोरियल कॉलेज चॉइस फिलिंग में भरना पड़ेगा क्या? वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन चॉइस फिलिंग आपको जो भी कॉलेज आप ऊपर चॉइस फिलिंग करोगे उसके बाद में जब सेव प्रेफरेंस पर सी प्रेफरेंस पर जाओगे तो वो लास्ट में आपको दिख जाएगा कॉलेज, है ना। भाई अगर किसी ने उज्जैन धन्वंतरी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो कितनी फीस लगती है बता दो? लगभग लगभग 70,000 समथिंग, 70 से 80 के बीच में जाती है, कुछ कॉलेजेस की 1 लाख तक भी चली जाती है गवर्नमेंट के ना। ब्रदर महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट को किस राउंड में कॉलेज अलॉट होगा? सेकेंड राउंड से ना भाई, कट ऑफ स्टेट के स्टूडेंट के लिए भी एक वीडियो बना दो बिल्कुल। मेडिकल सर्टिफिकेट बता दो भैया, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आप EEEC की साइट पर से या फिर गूगल डायरेक्ट मतलब जाओगे तो फोटोज़ में ही आ जाएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। EEEC करना, फोटोज़ में जाना, वहाँ पर आपको डायरेक्ट वो फोटो आ जाएगी, उसको आप जो है प्रिंट आउट निकलवा लेना और उसको कहीं से भी जो गवर्नमेंट MO वगैरह है वहाँ से जो है फिल करवा लो, उसको साइन वगैरह उनके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लगते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। भैया प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज ठीक रहेगा या गवर्नमेंट नर्सिंग अगर मिल रहा तो वो करिए आप। भैया अपग्रेड करने के बाद अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है क्या? नहीं, मतलब व्यू अलॉटमेंट लेटर पर क्लिक जरूर करना है आपको, एक बार अलॉटमेंट लेटर देखना है कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन डाउनलोड करो तो भी कोई दिक्कत ही, ना करो तो भी कोई, क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी ने RD मेमोरियल में एडमिशन लिया है तो प्लीज़ मुझे फीस स्ट्रक्चर बता दीजिए, अगर कोई किसी ने लिया तो बता देना इस वीडियो के कमेंट में बता देना ना। BHMS एंड BDS में कौन सा बेटर है? अगर आप जो है BDS में क्या होता है आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है क्लिनिक पर, लेकिन BHMS में अगर आप नॉर्मल से एक टेबल चेयर लेके भी बैठ जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और BDS के पेशेंट इतने इजीली आपके पास आएंगे नहीं, इतने इजीली ट्रस्ट करेंगे नहीं, लेकिन BHMS में आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा नहीं, है ना। ये है 234 नंबर पर OBC कैटेगरी पर SKRP मिल जाएगा क्या? हाँ नहीं, नहीं मिल पाएगा, ठीक है। भैया फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, अब सेकेंड राउंड में वापस करना पड़ेगा क्या रजिस्ट्रेशन? नहीं सर, मानसरोवर में पहले 17 लाख में एडमिशन के लिए हाँ बोला था, बट अब अभी 19 लाख बोल रहे हैं, क्या सही है? अब वो तो यार मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा, वो कॉलेज वालों मैटर में तो, है ना। भैया RKD भोपाल की फ़ीस कितनी है? लगभग लगभग 14-15 की समथिंग है फीस, है ना। 255 OBC कैटेगरी गुजराती कॉलेज इंदौर मिल जाएगा क्या? नहीं मिल पाएगा। BHMS वाले के कॉलेज कब से स्टार्ट होंगे? BAMS BHMS BUMS सबके कॉलेजेस मानकर चलिए दीपावली बाद, या फिर बोल अब मान लो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 22 नवंबर से तो काउंसलिंग ही चलने वाली है। सेकेंड राउंड में भी चार्ज पे करना पड़ता है क्या MBBS और BDS की तरह? नहीं। सेकेंड राउंड में का कट ऑफ कितना रहेगा? सेकेंड राउंड का कट ऑफ कितना रहेगा? जो अभी जो कट ऑफ गया है ना प्राइवेट का, उसमें लगभग 25 से 30 नंबर की गिरावट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। भैया इस बार सेकेंड राउंड में कितना डिफरेंस आएगा प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है, अभी जैसा बताया। भैया मैंने एडमिशन ले लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कहाँ पे लिया है? नीट में 490 पर BMS गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा? नीट में 490 पर BMS गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। भाई प्राइवेट कॉलेज में हॉस्टल फीस एडमिशन के टाइम ही देनी होती है, कॉलेज बाय कॉलेज वेरी करती है वो। भैया मेरे सारे कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर BMS का बता दो प्लीज़, ट्राई करूँगा, ठीक है, चॉइस फिलिंग कल मैं कल बना दूंगा, अगर कोशिश करूँगा अगर अरेंज हो पाया मेरे से। भैया प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे 159 मार्क्स है जनरल कैटेगरी, नहीं आप BUMS प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा क्या? आप जो है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप जो एलिजिबल ही नहीं हो काउंसलिंग के लिए, है ना। सर मुझे 262 मार्क्स है मानसूर मेडिकल भोपाल, मिल जाएगा क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ हेल्प मी सर। नहीं मिल पाएगा, मानसरोवर तो ना दूसरे कॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है।
नहीं मिल पाएगा अभी तो, ठीक है। सीएलसी में तो बहुत ज़्यादा पैसे देने होंगे तब जाके, मान के चलो कॉलेज वाले थोड़ा सा सीएलसी में रहता है ना, वो ऑलरेडी पैसे खा के बैठे हैं पहले से लोगों से। इंडेक्स होम मेडिकल कॉलेज इंदौर कैसा है? अच्छा है, ले सकते हो आप। मेधावी के लिए एलिजिबल है क्या, कैसे और कहाँ से पता चलेगा? मेधावी आयुष कोर्सेज में नहीं रहते, 152 BMS मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में कितनी फीस ले रहे हैं? लगभग 70,000 से 1,00,000 तक चली जाती है कॉलेज बाय कॉलेज, ठीक है, वेरी करती है वो। MP डोमिसाइल वाले को कॉलेज दे रहे हैं बस फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड से सबको मिलेगा। भैया इस बार कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है क्या, क्या डायरेक्ट चॉइस फीलिंग होगी क्या, प्लीज़ बता दो। हाँ डायरेक्ट चॉइस फीलिंग होगी सेकेंड राउंड में, ठीक है गाइस। आप लोगों के मैंने ऑलमोस्ट सबका आंसर दे दिया है, लेकिन प्लीज़ आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और जो भी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो वो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की, ठीक है, और लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच।